नमस्कार दोस्तों मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे तो आज ये मैथ्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फोर्थ पार्ट होगा आपको पता है एग्जाम चल रहे हैं सत्रह अट्ठारह अगस्त शिफ्ट को आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं जैसे भी क्वेश्चन आए हैं उसी आधार पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्वेश्चन इजी आ रहे हैं बस आपको करना क्या है जो भी चीजें आप पढ़े हैं जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं जैसे कि फार्मूला है आ, आपका अल्जब्रा मैंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीजें बेसिक आ रही हैं फॉर्मूला याद होना चाहिए थोड़ी सी आप बेसिक चीजें पढ़ के जाएँ आपके एग्जाम में अठारह तारीख वाले शिफ्ट में कॉर्डिनेट ज्योमेट्रिक से दो क्वेश्चन आए थे और आपका कॉर्डिनेटिक इक्वेशन आया था सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप देख के जाइएगा और आपके एक आध सवाल वहां से फंस रहे हैं चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं इससे पहले आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तो आज का प्रश्न लेते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं देखते हैं क्या है आपके पास देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न आज थोड़ा इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया है तो बच्चे थोड़ा सा मैनेज करेंगे जो इंग्लिश वाले होंगे क्या कहा गया इस प्रश्न में ध्यान से पढ़िए और इसको आंसर देने की कोशिश करिए तो देखिए क्या पूछा गया इस प्रश्न में एक रस्सी को एक रस्सी को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया पहला भाग पूरी लंबाई का एक बट्टे है जो पहला भाग है पूरी लंबाई जितनी होगी उसका एक बट्टे पांच हो जाएगा और जो दूसरा भाग होगा वो पहले का तीन बट्टे दो हो जाएगा तो आपको तीसरा भाग ज्ञात करना है आपको बताना है कि जो इसका तीसरा भाग होगा वो कितना होगा आपको ये चीज बताना है चलिए एक बार सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से देखिए तो क्या है इसका आपको आपको पता है कैसे करना है आपको बताए हैं कभी भी किसी चीज को भाग में बांट दिया जाए इतना भाग इतना भाग ऐसे कर दिया जाए तो आपको क्या करना होता है सबसे पहला स्टेप बेस का LCM लेना होता है दो का और पांच का काम ले जाएगा दस हो जाएगा या फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका दस ही आएगा ठीक है मान लेते हैं आपकी जो रस्सी है उसकी लंबाई दस है रस्सी की लंबाई क्या मान लेते हैं दस है अच्छा दस में से क्या किया गया एक बट्टे पांच भाग तो दस का एक बट्टे पांच भाग क्या हो जाएगा दो हो जाएगा दो भाग आप अलग कर दीजिए ठीक है तो ये पहला भाग क्या हो जाएगा एक बट्टे पांच यानी कि ये आपका पहला भाग हो गया इसका दूसरा भाग कितना है दूसरा भाग क्वेश्चन में कहा गया है पहले का तीन बट्टे दो है पहले का तीन बट्टे दो है पहला भाग कितना है दो यानी इस दो का तीन बट्टे दो आपका होगा दूसरा भाग तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा दूसरा भाग आपका तीन हो जाएगा ठीक है पहला भाग हो गया ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा तो तीसरा भाग कितना हो जाएगा देखिए तीसरा भाग कितना हो जाएगा दो प्लस तीन पांच हो गया तो टोटल आपकी लंबाई 10 थी तो 5 निकल गया तो तीसरा भाग कितना बच गया तीसरा भाग आपका 5 बच गया आपसे पूछा गया है रस्सी का तीसरा भाग कितना होगा लेकिन 5 तो आपको आंसर में नहीं दिख रहा है तो कैसे करेंगे तीसरा भाग कितना है 5 कितने में 10 में पूरे रस्सी की लंबाई कितनी है 10 और तीसरा भाग कितना है आपका 5 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 5 बटे का 10 यानी कि 1 बटे 2 ठीक है कितना आंसर हो जाएगा आपका एक बट्टे दो हो जाएगा यानी तीसरा भाग कितना है तीसरा भाग आपका एक बट्टे का दो है अगर रस्सी की लंबाई आपकी दस है तो उसमें से पांच भाग आपका क्या है तीसरा भाग उसका मान लीजिए दस मीटर की लंबाई दस मीटर की रस्सी है ना तो तीसरा भाग कितना हो जाएगा तीसरा भाग आपका पांच मीटर हो जाएगा यानी कि एक बट्टे भाग आपका रस्सी हो जाएगा कौन सा तीसरा भाग यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ठीक है आसान क्वेश्चन है कैसे करेंगे आपको बेस का एल्शियम लेना कई बार सिखाए हैं बेस का एल्शियम ले लीजिए ना समझ में आए तो डायरेक्ट गुड़ा कर दीजिए गुड़ा कर दीजिए उसके बाद जो भी कहा गया है आप लगा दीजिए ठीक है चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अल्जेब्रा से क्वेश्चन आए हैं आपके अल्जब्रा से ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के फॉर्म होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहे हैं क्यूब पे आ रहे हैं क्वेश्चन तो सारी चीजें आपको कराई गई हैं रिवाइज जरूर करिएगा स्क्वायर क्यूब्स के फॉर्मूले रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि अगर अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो ये सारे फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे और अल्जब्रा से क्वेश्चन आने फिक्स है देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का है मान आपसे पूछा गया है। यहां पर होगा ठीक है तो इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे पूछा गया है तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन आपको कराए हैं अगर आप लोग पढ़े होंगे ना आपको कोर्स में भी हैं ये क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। जो भी चाहे मान सकते हैं बस ध्यान दीजिएगा कि A plus, B plus, C आपका जीरो आना चाहिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी मान सकते हैं जैसे अगर चाहे हम ए को वन मान ले b को वन मान ले और c को माइनस दो मान लो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक एक दो हो जाएगा और c माइनस दो रखेंगे तो दो में से दो घटाएंगे तो ये आपका जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a आपका one, b आपका b c माइनस टू लेके चलना है कभी भी आपको पहला कंडीशन ये दे दिया जाए ये कंडीशन आपको दे दिया जाए तो आपको यही मानना है यहाँ पे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करेंगे किसी भी एग्जाम में आपको इसको ऐसे ही करना है ठीक है कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है ए को वन बी को वन सी को माइनस दो मानिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ए को वन रखेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर यानी कि माइनस दो का स्क्वायर ये हो जाएगा इस पर आपको क्या करना है होल पे आपको स्क्वायर लगा लेना है ठीक है नीचे आपके पास क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर गोड़े वन का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर और दो माइनस दो का स्क्वायर यानी कि ये आपका चार हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर यानी कि ये चार हो गया और ए का स्क्वायर यानी कि ये आपका एक हो जाएगा ठीक है ऐसे आपका हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा वन प्लस वन प्लस दो दूना चार इसका स्क्वायर बच जाएगा और नीचे आपके पास क्या बच रहा है नीचे ध्यान से देखिए क्या बचेगा एक बच जाएगा एक सॉरी एक प्लस का चार और प्लस का चार आपके पास बच जाएगा ये आपके पास बच रहा है तो देखिए कितना हो जाएगा ऊपर चार प्लस दो आपका छ हो जाएगा छे का स्क्वायर आपका छत्तीस हो जाएगा और नीचे चार चार आठ एक नौ हो जाएगा यानी नौ चौके छत्तीस आपका कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आपका फोर आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कभी भी आएगा ना एग्जाम में भी आएगा ये वैसे एन में भी पूछा गया है रेलवेज ग्रुप डी में भी पूछा गया है एस के एग्जाम में तो कई बार आया है ए प्लस बी प्लस सी आपको जीरो देता है और कुछ भी पूछ सकता है जरूरी नहीं है यही पूछे आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आपको बस ए को वन बी को वन और सी को माइनस दो इस चीज को ध्यान में रखना है और इस चीज को आपको रख देना है और इस पर आपको सवाल कर लेना है ठीक है आराम से हो जाता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये सारे आराम से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है वो हम फिर से आगे आपको सिखा देंगे चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं

गुड़े में क्या है आठ है और डिवाइड में चार है यानी कि ये भी डिवाइड में चार हो जाएगा गुड़े में क्या है एक बट्टे का दो है बस इसको अरेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो पहले आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए अपने से खुद से सॉल्व करिए उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा पांच डिवाइड में क्या है पैंतालीस बट्टे में पैतालीस हो जाएगा माइनस का चार हो जाएगा ठीक है यही क्वेश्चन अगर बड़ा होता है ना जब बड़ा हो, जैसे एस एस सी में बड़ा क्वेश्चन आता है आप अगर एम का पेपर उठा के देखेंगे यहाँ तक कि जी के भी पेपर में ये क्वेश्चन बड़ा होके आता है जब क्वेश्चन ये बड़ा होता है ना तो वहां पे गलती होने की चांसेस बढ़ जाती हैं यहाँ पे तो सिर्फ आपका डिवाइड है मल्टीप्लाई है आराम से आप लोग कर लेंगे लेकिन इसमें जब डिवाइड लगता है कई सारे डिवाइड होते हैं कई सारे मल्टीप्लाई होते हैं ऑफ लगे होते हैं वहां पे आपको दिक्कत होने लगती है लेकिन दिक्कत होगी नहीं आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि दिक्कत नहीं होगा आठ से आठ कट जाएगा चार से कट जाएगा अस्सी बार में ये दो से ये आपका चालीस बार में कट जाएगा तो ऊपर तो आपका चालीस बच रहा है नीचे क्या बच रहा है पांच से नौ बार में पैंतालीस कटेगा और नौ से बीस बार में एक सौ अस्सी कट जाएगा बीस में से चार जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा ये आपके पास सोलह बच जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा आठ से चालीस पांच बार में कट जाएगा आठ से सोलह आपका दो बार में कट जाएगा यानी कि पांच बट्टे का दो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जाएगा क्या ऑप्शन सी पांच बट्टे का दो आपका सही जवाब हो जाएगा और यही आपका सही जवाब होगा ठीक है वोडमास से आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन बहुत ही आसान है आराम से आप सभी लोग इसको कर सकते हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है तो देखिए क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में ये आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है क्या कहा गया है स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित बस की गति बावन किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक घंटा में एक घंटे में बस कितने मिनट रुकती है आपको यह बताना है देखिए अगर बस कहीं ना रुके तो एक घंटे में अस्सी किलोमीटर की दूरी चलेगी ठीक है अगर कहीं नहीं रुकती है तो अस्सी किलोमीटर की दूरी चलेगी अगर रुकती है तो इसका स्पीड 80 किलोमीटर की दूरी चलेगी या फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है अगर बस रुक के चलती है तो कितनी दूरी का अगर स्टॉपेज पे रुकती है तो सिर्फ और सिर्फ इसका स्पीड घट के क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा या फिर कह सकते हैं एक घंटे में बावन किलोमीटर की दूरी चलेगी अब आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि बस कितने देर के लिए रुकी है बस आपको यह बता देना है कितने देर के लिए रुकी है बस हो सकती है ट्रेन हो सकती है कुछ भी हो सकता है कितने देर का स्टॉपेज है आपको यह बताना है तो देखिए इसको सॉल्व ना आपको सिखाए हैं हम अगर आप क्लास करते होंगे डेली तो आपको पता होगा आपको बताए हैं स्पीड को माइनस कर लीजिए आपको क्या करना है पहले स्पीड को माइनस कर लेना है और बिना रुके स्पीड कितनी है बिना रुके स्पीड आपकी 80 की है तो 80 लिख लीजिए ये आपके पास टाइम आ जाएगा ये आपके पास घंटे में आएगा मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से गुड़ा कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा बस कितने देर के लिए रुकी है तो 80 में से बावन जाएगा कितना बच जाएगा 28 बच जाएगा नीचे आपका साठ आ जाएगा और, और सॉरी अस्सी आ रहा है और गुड़े में साठ करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बस कितने मिनट के लिए, तो लिए साठ से गुड़ा कर देते हैं तो चलिए बीस से तीन बार में ये वाला कट जाएगा बीस से चार बार में ये कट जाएगा चार से सात बार में अठाईस कट जाएगा तो सात का क्या बच जाएगा इक्कीस मिनट आपका आंसर आ जाएगा यानी कि जो आपकी बस है ना आपकी बस है ये एक घंटे में 21 मिनट के लिए रुक रही है ठीक है एक घंटे में 21 मिनट के लिए रुक रही है आपने देखा होगा ट्रेन से भी जाते होंगे बस से भी जाते होंगे तो भले आपको स्पीड दिखता होगा कि 100 की स्पीड में चल रही है 120 सौ की स्पीड में चल रही है लेकिन आप देखते होंगे यहां से कुछ दूरी जाना होता है तो आपको टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि आपकी ट्रेनें रुक रुक के चलती हैं स्पीड भले अस्सी का है लेकिन रुकने के बाद कितना हो जा रहा है बावन का हो जा रहा है तो कितने देर रुक रही है तो आपकी यह बस 21 मिनट के लिए रास्ते में रुक रही है आपका आंसर सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे तो देखिए यह आपके पास एक क्वेश्चन आया है क्या है एक बट्टे में एक गुड़े का चार है ठीक है एक बट्टे में क्या है एक गुड़े का चार है चार गुड़े का सात है ये नहीं होगा एक गुड़े का चार है चार गुड़े का सात है सात गुड़े का दस है ऐसे ही रिपीट होते होते कहां तक है सैतालीस गुड़े के पचास तक है ठीक है ऐसा आपको क्वेश्चन कल के क्लास में कराए थे कल के क्लास में एक क्वेश्चन कराए थे ऐसे दिया हुआ था एक बट्टे में छ था और क्या था प्लस में एक बट्टे में कितना हो जाएगा बारह एक बट्टे में बीस ऐसे क्वेश्चन कराए थे तो कल आपको सिखाए थे ऐसे इसको दो गुड़े तीन में तोड़ दीजिए इसको तीन गुड़े चार में तोड़ दीजिए इसको चार गुड़े पांच में तोड़ दीजिए ऐसे आपको सिखाए थे ये क्वेश्चन और बताए थे इसमें दो तीन तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ये भी आपको बताए थे तो वो कुछ क्वेश्चन एक ये भी क्वेश्चन है उसी में से ये जो आपके इसी पैटर्न पे पूछा जाता है तो देखिए यहाँ क्या हो रहा था यहाँ पे आपका गैप एक एक का हो रहा था एक का गैप है एक का गैप है एक का गैप है ठीक है ऐसे हम लोग बदल रहे थे लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा यहां पे देखिए तीन का गैप है ठीक है यहां भी तीन का गैप है यहां भी तीन का है। यहां भी तीन का है। यहां भी तीन तीन का का गैप गैप है है ठीक है तो हम क्या कर रहे थे जब एक एक का गैप हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे एक बट्टे में पहली संख्या पहली संख्या यहां पे कौन सी है एक है एक बट्टे में एक माइनस का एक बट्टे में लास्ट संख्या लास्ट संख्या क्या है यहां पे पचास है एक बट्टे में पचास कर रहे थे ठीक है अगर गैप नहीं है तब तो हम एक बट्टे में पहली संख्या माइनस में एक बट्टे में आखिरी संख्या करते हैं लेकिन गैप होता है ना जैसे यहां तीन तीन का गैप है हर जगह तीन -तीन का गैप है ना तो इसको क्या करते हैं एक बट्टे में तीन पे गुड़ा कर देंगे ठीक है क्या कर देंगे एक बट्टे में जितना गैप है उससे आप नीचे डिवाइड कर देंगे एक बट्टे में जितना गैप है उतना कर देंगे ठीक है एक का गैप होता है तो एक बट्टे में एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता है लेकिन जब गैप है अगर दो का गैप है तो एक बट्टे में दो कर देंगे तीन का गैप है तो एक बट्टे में तीन कर देंगे चार का गैप है तो एक बट्टे में चार और ऐसे आपको करना होगा फिर से एक बट्टे में ये पहली वाली संख्या लिखिएगा और माइनस में एक बट्टे में आखिरी वाली संख्या लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये ये आपका हो जाएगा, एक बट्टे में तीन और यहाँ पे हो जाएगा एक बट्टे में पचास माइनस का एक यानी कि आपको पता है उनचास बट्टे में पचास आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा उनचास बट्टे में पचास या एक सौ पचास ये आपका आंसर हो जाएगा मात्र पांच से दस सेकंड आपको लगते हैं अगर आपको तरीका पता है तो नहीं तो फिर से आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल है क्या करना है एक बट्टे का डिफरेंस अंतर जितने का है एक बट्टे का डिफरेंस और यहां हो जाएगा एक बट्टे में फर्स्ट माइनस एक बट्टे में लास्ट बस आपको इतना करना है और इससे आपका सॉल्व हो जाएगा एक बट्टे में ये पहली और इधर से देख लीजिएगा आखिरी कौन सी है इसको माइनस कर लीजिएगा और डिफरेंस को आप डिवाइड कर दीजिएगा ठीक है तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कल इसपे एक और क्वेश्चन कराए थे पीछे आपको एक क्वेश्चन कराए थे वो बेसिक था इसमें थोड़ा सा और बढ़ा था तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिए चलिए ति से आपको बता दे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम बेसिक पढ़ के जाइएगा बेसिक बेसिक जानकारी होगी आप लोग क्वेश्चन आराम से कर लेंगे वैसे भी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा त्रिकोण मिति नहीं पूछा जाता है बड़े एग्जाम में पूछा जाता है जैसे सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है लेकिन ग्रुप डी में लास्ट टाइम भी नॉर्मल ही पूछा गया था इस टाइम भी अभी तक तो नॉर्मल पूछा जा रहा है आगे कोई भी अपडेट होगा आपको भी अपडेट कर दिया जाएगा तो क्या है यहां पर है वन प्लस का टेन पंद्रह ठीक है और इसके साथ है हैट पचहत्तर ये चीज आपको दी गई है क्वेश्चन में ठीक है इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्या आंसर आएगा देखिए सारे आंसर में आपको दिख रहा होगा पंद्रह डिग्री पंद्रह डिग्री पंद्रह डिग्री पंद्रह डिग्री सारे में आपको पंद्रह डिग्री दिख रहा होगा पहले तो खुद से सॉल्व करिएगा उसके बाद आपको यहां पे देखना है सब में आपको ऑप्शन में पंद्रह डिग्री दिख रहा है यानी कि इसको भी बदल के हमें पंद्रह डिग्री में लेके चलना है ठीक है ये तो आपका ऑलरेडी पंद्रह डिग्री में है इसको कैसे बदलेंगे तो आपको एक चीज हम सिखाए थे आप ट्रिग्नोमेट्री अगर बेसिक पढ़े होंगे तो इतना तो आपको पता होगा आपको एक चीज बताए थे जैसे टेन नाइनटी माइनस का थीटा बराबर क्या होता है ये होता है आपका कॉट थीटा अच्छा इसी में क्या होता है कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है कॉट नाइन्टी माइनस का थीटा बराबर आपका होता है ये आपका होता है टेन थीटा ठीक है चीज हम आपको बताए थे तो देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं यहां पे मैं कर सकता हूं वन प्लस का टेन पंद्रह और कॉट पचहत्तर को मैं लिख सकता हूं कॉट नाइन्टी माइनस का पंद्रह ऐसे मैं लिख सकता हूं देखिए क्या हो जाएगा कॉट नाइन्टी माइनस का पंद्रह नब्बे में से पंद्रह जाएगा कितना बचेगा नब्बे में से पंद्रह जाएगा आपका बच जाएगा पचहत्तर यानी कि कॉट पचहत्तर ही लिखा गया है बस मैंने नब्बे माइनस का पंद्रह लिख दिया है तो क्या हो जाएगा ये वन प्लस का टेन पंद्रह और आपको पता है कॉट नाइंटी माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा कॉट नाइन्टी माइनस का थीटे की जगह पे पंद्रह है तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन का पंद्रह डिग्री ठीक है तो यहां से क्या मिल गया वन प्लस टेन स्क्वायर पंद्रह डिग्री अब वन प्लस टेन स्क्वायर पंद्रह डिग्री आया इसका क्या करें तो एक फार्मूला है जो कि आपको पढ़ाए हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली तीन फार्मूले आपको पढ़ाए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको पढ़ाए हैं बस वही फॉर्मूला आपको लगेगा ठीक है वही फार्मूला आपका लग जाएगा क्या होता है वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर का थीटा तो इसको देख लीजिएगा अगर नहीं आता है फॉर्मूला तो आप वीडियो देख लीजिएगा पे, पे तो सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है और वैल्यू पे बेस्ड है वैल्यू भी आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मुला भी पूछा जा रहा है तो वैल्यू भी याद करके जाना है फॉर्मूला भी याद करके जाना है दोनों ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री का यह भी क्वेश्चन आपका आसान है अगर तरीका जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो यह क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा थ्री टेन पंद्रह पच्चीस डिग्री लेकिन हां सीखना है सिखा देंगे आपको थ्री टेन पच्चीस डिग्री और यहाँ पे है टेन पैतीस टेन पैंतालीस टेन पैंसठ और टेन पचपन तो इसका क्या करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्लास में आपको कराए हैं जब टिग्नोमेट्रिक कराए थे तब आपको ये क्वेश्चन हम कराए थे ठीक है तो इसको हम करने का तरीका बताए थे देखिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताए थे सारी चीजें लगभग फार्मूला पे ही बेस्ड है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है फॉर्मूला कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट से पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसके बाद उससे बनने वाले क्वेश्चन और फॉर्मूले सारी चीजें आपको बता देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा आपको बताए थे अगर कभी भी ऐसे लिख के आए टेन ए गुड़े का टेन बी टेन ए गुड़े का टेन बी और ए और बी को जोड़ने पे क्या हो जाए और को जोड़ने पे आपका 90 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है इसकी वैल्यू आपकी वन हो जाती है ये चीज आपको सिखाए हैं क्या होता है टेन ए गुड़े का टेन बी ए और बी को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए तो टेन ए गुड़े का टेन बी बराबर क्या हो जाता है ये आपका वन हो जाता है ठीक है अच्छा अब यहां पे हम लोग ढूंढेंगे टेन ए गुड़े का टेन बी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेन पच्चीस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं थ्री टेन पच्चीस गुड़े का टेन पैसठ इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है आसपास कर लेंगे ये बस समझने के लिए कर रहे हैं बाकी आप लोग देखते ही समझ जाएंगे और देखते ही इसको कर देंगे ठीक है यहां हो जाएगा टेन पैंतीस डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसको मिटा देते हैं अब तो देख ही लिए हैं नोट तो कर लिए होंगे आप लोग टेन पैतीस हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन पचपन डिग्री और आपका एक टेन पैतालीस बच रहा है ठीक है तो ऐसे लिख लेंगे आपको पता है आप पढ़े भी होंगे तो टेन पच्चीस की कोई वैल्यू याद नहीं करता है टेन पचपन टेन पैंसठ की वैल्यू नहीं याद करते हैं यानी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लगेगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट है देखिए टेन ए टेन बी यानी ये पच्चीस और पैंसठ को एक बार जोड़िए पच्चीस और पैंसठ को जोड़ने पर नब्बे आएगा पैंतीस और पचपन को जोड़िए पैंतीस और पचपन को भी जोड़ने पे आपका क्या आएगा ये भी आपका नब्बे डिग्री आएगा ठीक है तो आपको पता है टेन ए गुड़े में टेन बी टेन एन बी अगर इन दोनों को जोड़ने में नब्बे हो रहा है तो भी टेन पैतालीस की वैल्यू सबको पता होती है टेन पैतालीस की वैल्यू आपकी वन होती है तो ये भी आपका वन हो जाएगा यानी आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका थ्री आ जाएगा ठीक है आंसर क्या आ जाएगा तो आंसर आपका थ्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थ्री ठीक है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे ना तो कॉन्सेप्ट से आपके सवाल बनने लगेंगे ठीक है ये आपको बताए थे ए प्लस बी जोड़ने पे तो ये आपका क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है एक, इसकी वैल्यू हो जाती है ऐसे ही और भी बताए थे अगर साइन ए कॉस बी के बराबर दिया है ये भी आपको बताए थे और साइन ए अगर कॉस बी के बराबर हो जाए और ए और बी जोड़ने पर आपका नब्बे आ जाए ए और बी जोड़ने पर आ, साइन ए कॉस बी के बराबर कब होता है जब ए और बी जोड़ने पे नब्बे होता है ठीक है अगर ए और बी जोड़ने पे आपका 90 डिग्री आ रहा है तो साइन ए आपका कॉस बी के बराबर हो जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एकदम इंपॉर्टेंट है और मिलना ही मिलना है क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था देखिए जो भी बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम जिनका आगे फेज में पड़ा हुआ है आगे आपका जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया है श्योर सिलेक्शन बैच हमारे ऐप पे चलता है एस मेकर के ऐप पे बहुत ही अच्छी तरह से आपको सारी चीजें पढ़ाई गई

सभी लोग जिसका भी बैच आने वाले दिनों में है तो पढ़ सकते हैं रिवीजन करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं क्या कहा गया है तीन पुरुष और छह महिलाएं तीन पुरुष छह महिलाएं कार्य को बारह दिन में करते हैं जबकि पांच पुरुष और चार महिलाएं इसे आठ दिनों में पूरा करते हैं तो आपको कहा गया है एक आदमी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अगर एक आदमी अकेले करे तो अकेले कितना दिन में करेगा आपको यह बताना है देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल एकदम आसान कैसे करना है देखिए तीन पुरुष तीन मेल छह फीमेल कितने दिन में कर रही हैं तो आप बताइए आप बताइए बारह दिन में कर रही हैं ठीक है ऐसे कर लेंगे यही आपका करने का तरीका होता है तीन मेल छह फीमेल कितने दिन में कर रही हैं बारह दिन में कर रही हैं अच्छा पांच मेल और चार फीमेल पांच मेल और चार फीमेल कितने दिन में कर रही हैं इसको ये आठ दिन में कर रही हैं आपको बताना है एक अकेला आदमी कितने देर में करेगा ये आपको बताना है तो इसको इसको आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे ना तो महिला और पुरुष की कार्य दक्षता निकल जाएगी और कार्य दक्षता पता चल जाएगा तो कुल कार्य निकाल के वहां से हम एक दिन में भी निकाल सकते हैं कितना कार्य होगा तो कैसे हो जाएगा चार से काटेंगे तीन बार में कट जाएगा चार से काटेंगे दो बार में कट जाएगा ठीक है इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा नाइन प्लस में अठारह एफ यानी कि नाइन मेल प्लस अठारह फीमेल बराबर दस मेल प्लस में आठ फीमेल ये आपका आ जाएगा मेल को एक साइड एम एक साइड एफ एक साइड कर लेंगे आपका क्या हो जाएगा आपका इधर F उठके आ जाएगा तो दस एफ बराबर क्या हो जाएगा इधर आएगा नौ तो एम एक बच जाएगा आठ यहां आके माइनस हो जाएगा नौ यहां जाके माइनस हो जाएगा यही आपको करना है ठीक है क्या बच जाएगा एफ बाई एम बराबर एक बट्टे में दस यानी कि फीमेल की दक्षता आ जाएगी एक की और मेल की दक्षता आ जाएगी दस की कह सकते हैं कि अगर फीमेल एक यूनिट काम करती है तो मेल आपका दस यूनिट काम करेगा फीमेल कितना काम करेगी एक यूनिट तो मेल कितना काम करेगा दस यूनिट तो हमको यहां पे सबसे पहले निकालना होगा कि कुल कार्य कितना है क्या निकालना है आपको निकालना है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आपको सबसे पहले निकालना होगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन मेल तीन मेल और छह फीमेल कितने दिन में कर रही हैं ये आपका कर रही हैं बारह दिनों में ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया है तीन मेल प्लस में छह फीमेल कितना दिन लग रहा है बारह दिन का समय लग रहा है तो तीन मेल एक मेल एक दिन में दस यूनिट काम कर रहा है तो तीन मेल कितना काम करेंगे तीस यूनिट एक फीमेल एक दिन में एक यूनिट काम कर रही है तो छह फीमेल एक दिन में कितना काम करेंगी छह यूनिट और टोटल कितना दिन लग रहा है बारह दिन यानी कि छत्तीस गुड़े का बारह हो जाएगा और बारह को छत्तीस से गुड़ा करेंगे कितना आ जाएगा बारह छक बहत्तर का दो कैरी सात बारह तीस छत्तीस और छत्तीस और सात हो जाएगा तैतालीस यानी कि आ, कितना आ जाएगा चार सौ बत्तीस आ जाएगा कितना काम है टोटल चार यूनिट का आपके पास काम है टोटल कार्य क्या है कुल कार्य आपका चार यूनिट का है और कहा गया है कि एक आदमी अकेला कितने दिन में कर देगा एक आदमी एक दिन में दस यूनिट काम कर रहा है तो चार यूनिट काम करने में एक आदमी को कितना समय लगेगा अकेला दस यूनिट काम कर रहा है एक दिन में तो कितना समय लग जाएगा तो तैतालीस सही दो बट्टे में दस यानी कि सही एक बट्टे में पांच दिन का समय लगेगा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें एक दो स्टेप बढ़ता है लेकिन हाँ क्वेश्चन आसान होता है स्टेप याद रखिएगा पहले आपको ये कंपेयर करना है कंपेयर करने से क्या निकल जाएगा फीमेल और मेल का आपकी कार्यदक्षता निकल जाएगी कार्य दक्षता से आप क्या करेंगे कार्य दक्षता से आप कुल कार्य निकाल लेंगे कि टोटल कार्य कितना है उसके बाद कोई भी पूछे जहां से यहाँ पे एक मेल का पूछा गया है क्वेश्चन में कई सारी चीजें दी जाती हैं दो मेल तीन फीमेल तीन मेल चार फीमेल चार मेल पांच फीमेल ऐसी भी चीजें आती हैं तो वो भी आप लोग आराम से कर लेंगे ठीक है आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा चलिए तो अगले क्वेश्चन को करते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन ना दूसरे दिन के शिफ्ट में एक पेपर में पूछा गया था सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था नंबर के साथ चीजें दी गई थी और क्यूब करके आपको पूछा गया था तो इसको आप सभी लोग लगाइए क्यूब के फॉर्मूले पे होगा क्यूब का फॉर्मूला आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का थ्री ए बी और गुड़े में आपका होता है ए प्लस का बी ये होता है आपका ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बस इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा देखिए क्या दिया 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 गया 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 है 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 2x 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 5y 5y आपको दिया गया है। तो 2X का जब क्यूब करेंगे ना तो एट क्यूब हो जाएगा और 5y का क्यूब करेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा यानी कि आपको दिख रहा होगा कि इसको क्यूब किया जा रहा है ठीक है चलिए हम भी क्यूब करके देखते हैं कितना आता है टू प्लस का फाइव है इसका जब क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पे कितना आ जाएगा क्यूब करने पे आपका आ जाएगा टू एक्स का क्यूब प्लस में फाइव वाई का क्यूब प्लस में थ्री a की जगह पे है आपका टू एक्स बी की जगह पे है आपका फाइव इसके बाद क्या बच जाएगा ए प्लस का बी प्लस के बी की जगह पे आपको 12 दिया गया है ये आपका आपका 12 हो जाएगा बस पे रखेंगे हाँ, तो इसका इसका तो क्वेश्चन सॉल्व क्यूब आप किए हैं टू एक्स प्लस फाइव वाई क्या है ये बारह है यानी कि बारह का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दो का क्यूब यानी कि एट एक्स क्यूब प्लस में एक सौ पच्चीस वाई क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा तीन दूना छः पंजे तीस ये क्या हो जाएगा तीस एक्स वाई और गुड़े में हो जाएगा आपका बारह ठीक है बारह का क्यूब यानी कि सत्रह सौ अट्ठाइस होता है क्यूब याद करके जाइएगा ठीक है एट एक्स क्यूब प्लस में एक सौ पच्चीस वाई क्यूब और ये क्या हो जाएगा तीस गुड़े का एक्स वाई की जगह पे आपका दो है और यहां पे आपका बारह है ठीक है तो क्या हो जाएगा बारह दुना का चौबीस चौबीस या बहत्तर यानी कि सात सौ बीस हो जाएगा और ये सात सौ बीस आप लोग यहाँ लाके माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा सत्रह सो अट्ठाइस माइनस का सात सौ बीस बराबर एट एक्स क्यूब और प्लस में एक सौ पच्चीस वाई क्यूब हो जाएगा आपसे यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है एटेक्स क्यूब प्लस में एक सौ पच्चीस वाई क्यूब का आपसे एक हजार आठ आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? आपका ये C, 1008 आपका सही जवाब आ जाएगा ठीक है तो फॉर्मूला बहुत ही मैटर करेगा फॉर्मूला याद होना ही चाहिए फॉर्मुले से नहीं बच सकते है, ठीक है? पेपर अगर करना है जो कि बहुत ही आसान है क्वालिफाई करना आसान पेपर आ रहा है बहुत से बच्चे पेपर छोड़ भी रहे हैं, तो आपका चांस बढ़ चांस बहुत ज्यादा ही बनेगा तो फॉर्मूले याद करके जाइएगा जिसका आने वाले दिनों में है फॉर्मूला जरूर याद करके जाएगा तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं देखिए क्या है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बेलनकार टैंक की क्षमता क्षमता की बात कही गई है यानी वॉल्यूम की बात कही गई है टैंक का सेप आपको पता है बेलन कार है तो बेलन कार बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कितना है 38,500 लीटर है अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा लीटर में है लीटर को कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे आपको ऊंचाई चार मीटर है तो आधार का व्यास आपसे पूछा गया है आधार का व्यास पूछा गया है यानी कि रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस से व्यास भी निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा तो देखिए आपको क्या दी गई है आपको यहाँ पे एक बेलन है का वॉल्यूम बेलन का वॉल्यूम यानी सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है पाई आर स्क्वायर का एच ठीक है एच आपको क्वेश्चन में दिया गया है आर आपको नहीं पता है आर निकालना है लेकिन आर निकालेंगे कैसे आपको ये तो लीटर में दिया गया है अड़तीस लीटर दिया गया है ये आपको क्या दिया गया है अड़तीस हजार सौ लीटर ठीक है अच्छा और आपका जो रेडियस लीटर में तो आता नहीं है ये तो आपका मीटर में आएगा सेंटीमीटर में आएगा यानी कि इस लीटर को इस लीटर को या तो मीटर में बदल दीजिए या तो सेंटीमीटर में बदल दीजिए आंसर सारे मीटर में है तो आपको मीटर में ही बदलना पड़ेगा ठीक है तो अब इसको मीटर में कैसे बदले तो आपको एक चीज बता दे एक मीटर क्यूब बराबर क्या होता है इसको याद रखिएगा एक मीटर क्यूब बराबर एक हजार लीटर होता है ठीक है एक मीटर क्यूब बराबर एक हजार लीटर होता है या फिर आप कह सकते हैं क्यूब होता है ठीक है एक हजार लीटर बराबर क्या होता है एक मीटर क्यूब होता, होता, होता है तो आपका अड़तीस हजार पांच सौ लीटर बराबर क्या हो जाएगा अड़तीस हजार पांच सौ लीटर बराबर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा देखिए एक हजार लीटर में एक मीटर क्यूब तो एक लीटर बराबर हो जाएगा एक मीटर क्यूब बराबर में एक हजार लीटर एक हजार हो जाएगा और अड़तीस हजार पांच सौ लीटर बराबर हो जाएगा अड़तीस हजार पांच सौ लीटर बराबर हो जाएगा एक मीटर क्यूब बट्टे में एक हजार गुड़े में अड़तीस हजार पांच सौ ठीक है अड़तीस हजार पाँच सौ हो जाएगा ये आपका कट जाएगा तीन सौ पचासी बट्टे में दस बज जाएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा तीन सौ पचासी बट्टे में दस मीटर क्यूब हो जाएगा बस ये काम आपको करना है इतना कर लेंगे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेलन तो कई बार पढ़ाए हैं क्या होता है पाई पाई की वैल्यू बाईस बट्टे में सात आर स्क्वायर एच क्या होता है एच आपका चार होता है ये आपका हो जाएगा तीन सौ पचासी बट्टे में दस इतना हो जाएगा तीन सौ पचासी बट्टे में दस ग्यारह से दो बार में बाईस कट जाएगा ग्यारह से पैंतीस बार में ये कट जाएगा ठीक है आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पैंतीस है इसको सात गुड़े में पांच लिख दीजिए आप पाँच से काट लीजिए दो बार में और सॉरी पांच से सात बार में और पांच से ये आपका दो बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा सात हो जाएगा ये सात जाके गुड़ा हो जाएगा सात गुड़े का सात नीचे क्या हो जाएगा चार दुना आठ यहाँ आके गुड़ा हो जाएगा तो ये सोलह हो जाएगा यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर की वैल्यू सात बट्टे में चार हो जाएगी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सात बट्टे में चार लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्यास आपसे पूछा गया है टू आर होता है यानी कि सात बट्टे में चार गुड़े में दो कर लेंगे तो सात बट्टे का दो हो जाएगा यानी कि साढ़े तीन मीटर आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि साढ़े तीन मीटर आंसर हो जाएगा फॉर्मूला याद रखिएगा फॉर्मूला तो करना आसान है लेकिन यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे था लीटर को ये चीज लीटर को मीटर में बदलना एक मीटर क्यूब बराबर एक हजार लीटर होता है आप अपने सुविधा के हिसाब से या तो मीटर को लीटर में बदल लीजिएगा या फिर लीटर को मीटर में बदल लीजिएगा आपके ऊपर होगा ठीक है तो देखिए आज का क्लास आ, इतना ही रहेगा इतना ही रखेंगे आपको आज का क्लास कल की क्लास में और भी अच्छे से कराएंगे ठीक है और भी अच्छे से बहुत की चीज़ें आपको करा दी जाएंगी आपको और भी आपको क्या करना है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली आपकी क्लास चलती है सुबह नौ बजे ठीक है तो डेली आपकी क्लास कराएंगे डेली आपकी क्लास होती है बहुत ही अच्छे से कराई जाती है आपको सारी चीज़ें आपकी क्लास कल चले कल भी होंगी डेली होंगी कल और भी अच्छे से कराएंगे आज क्लास इतना ही रखेंगे ठीक है आपसे मिलेंगे कल सुबह नौ बजे तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद